हम लोगों ने जो कहानी चालू की थी वो यहां से चालू की थी, और अब अगर बुद्धि है तो रुकना नहीं और 5 मिनट के अंदर इसे खत्म करना। बताओ, आपके सामने इंटरफेस था। yes, इंटरफेस में पहला फेज जी है, फिर फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। जीवन ऐसा और जी टू, ये बताओ डिवाइडिंग है कि नॉन डिवाइडिंग? इसके बाद डिवाइडिंग है। अच्छा बोलो, डिवाइडिंग वाले फेज को तो छोड़ करके हम लोग नॉन डिवाइडिंग वाले फेज में चलते हैं, दैट इज नोन एज जीवन। अभी तक मैंने हमेशा सीधे बनाए, मैं एक साथ अभी ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सीखोगे इससे। बताइए ये क्या है? एन। ये क्या है? एन। और इसका नाम सी, पूरा अमाउंट सी, और ये वाला सी। तो बताओ सी और सी क्या है? टू सी। तो बताओ क्या हुआ? टू एन टू सी था। प्लीज मुझे आगे तक बढ़ाते जाइए। एस फेज में आए। बताओ नंबर डबल की सेम, और अमाउंट, इसका मतलब हर क्रोमोसोम अपना इक्वल अमाउंट रख रहा कि डबल? क्या ये एन है? एन है। बताओ कितना है? टू एन अमाउंट फोर सी। टू एन अमाउंट फोर सी। अच्छा बताओ जी टू में भी क्या होगा? टू एन फोर सी, यही क्रोमोसोम होंगे। अब आया कौन? प्रोफेज, फिर मेटा। बताओ मेटा फेज में पहली बार क्रोमोसोम अपीयर हुए? जो अपीयर हुए वो एक्चुअल अमाउंट के साथ थे कि डबल? बस यही पढ़ाते पढ़ाते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा कि जो मेटा फेज में क्रोमोसोम आया है उसके पास जो सेहत है वो इक्वल है कि डबल है? यानी एक्चुअल क्रोमोसोम अगर बना होता बिना एस फेज का तो उसके पास एक क्रोमेटिड की दो और इसके पास कितने? इसका मतलब दो क्रोमेटिड रखना इट इज इक्वल पार्ट की डबल पार्ट। तो बताओ डबल चीज आप लेकर के बैठे हो, आप फर्स्ट फेज में हो मेटा, और मेटा फेज का क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में आ जाता है। किसमें आ जाता है? चलिए मैं मेटाफेजिक प्लेट बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने पहले भी ये प्लेट्स देखी हैं। मेटाफेजिक प्लेट में ये पेयर में आता है कि अनपेयर? पेयर। यानी कि 46 है तो 23 पेयर में आएगा कि 46? 46। यस और नो? आएगा 46, पहले तो पेयर में रहेगा लेकिन जब प्लेट में आएगा तो पूरा का पूरा अनपेयर। और यही माइटोसिस की खासियत है कि पेयरिंग, पेयरिंग हो जाती तो मियोसिस हो जाती। अब ये क्रोमोसोम, अभी भी कोई मुझसे बोले क्या है तो मैं बोलूंगा ये क्रोमोसोम एन है जिसमें है 2C माल, माल मतलब मटेरियल, और इसमें भी क्या है? एन, और अमाउंट 2C। यस और नो? अब आया मेटाफेज के बाद कौन सा? एनाफेज। अब एनाफेज में इन दोनों क्रोमोसोम को टूटते देखिए। लेट सपोज इट इज अ मेटाफेजिक प्लेट। अगर मेटाफेजिक प्लेट में इन दोनों को तुमने टूटते हुए देखा है तो भाइयों बहनों मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, सब लोगों से चाहिए। बताइए यही क्रोमोसोम टूटा? टूटा। yes, बताओ ये क्या गया? एन। ये क्या गया? एन। ये क्या गया? एन। ये क्या गया? एन। पक्का? yes, अब बताओ एक कोशिका में अभी तक कितना था? 2N4C। अभी एक कोशिका में एन 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 एन, बोलो क्या? 4N4C। यस और नो? और इसीलिए कंपैरिजन किससे चालू होते हैं? एस फेज। एस फेज से एना फेज में क्या क्या मिलेगा? 4N4C अमाउंट, नंबर। और जब तुम जाओगे टीलो फेज में, किसमें? तो भैया टीलो फेज में दो न्यूक्लियस बन चुके होंगे। कितने? एक सेल न्यूक्लियस, दो सेल की एक सेल, और दो न्यूक्लियस बन चुके होंगे, और उन दो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पहुंच गए होंगे ये, और जो ये क्रोमोसोम पहुंच गए होंगे भाइयों तो इन क्रोमोसोम का नाम बताओ? एन। और एक क्रोमोसोम में सी, दूसरे में एन एन सी, इसमें भी एन एन सी, इसमें भी एन एन सी, नाम बताओ? एक न्यूक्लियस पहले जोड़ो 2N2C, दूसरा न्यूक्लियस 2N2C, पक्का? लेकिन पूरी सेल 4N4C। मुझे यकीन है कुछ लोगों ने पुरानी क्लासेस छोड़ी है, उनको इस समय पर हवा भी नहीं लग रही उनकी, हो क्या है? क्लास छोड़िए आपको मजा मिलेगा। अब जब मैं पूरी सेल को रिलेट करूंगा एस फेज से तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एस फेज के रेस्पेक्ट में पूरी सेल ऑफ एनाफेज, सॉरी टीलो फेज, बोलो नंबर डबल अमाउंट सेल,
अब देखना इसी क्वेश्चन को, एक न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस ऑफ टीलोफेज, क्या वन न्यूक्लियस ऑफ टीलोफेज विथ एस फेज, यहां क्या है 2m, यहां क्या है 2m, नंबर सिर्फ अमाउंट हाफ। और इसीलिए कुछ टीचर माइटोसिस पढ़ाते पढ़ाते ये गलती कर देते हैं और वो पढ़ाते हैं कि माइटोसिस में नंबर सेम होता है, अमाउंट हाफ हो जाता है। कहते हैं वो कि नंबर सेम है, अमाउंट हाफ है, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट है? एंड एस का रेस्पेक्ट इज नॉट ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट इज जीवन। और अगर तुमने जीवन से रिलेट किया दोस्त, मजा आ जाएगी। बोलो नंबर, पहले पूरा सेल देखो, पूरा सेल देखो, नंबर डबल, अमाउंट डबल, पक्का? लेकिन ये चीज एक में बटनी है कि दो में? इसलिए एक न्यूक्लियस पकड़ो, बोलो नंबर भी सेम, अमाउंट भी सेम। एक्चुअली यही न्यूक्लियस एक दिन जीवन में घुसना है, और जब ये न्यूक्लियस जीवन में घुसेगा तो एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिन, दूसरे क्रोमोसोम के पास भी एक क्रोमेटिन, यस और नो? इसका मतलब है जीवन से शुरू किया था, नया न्यूक्लियस बन गया, और यही नया न्यूक्लियस नई सेल बना देगा। तो नई सेल और जीवन की सेल, ये है मदर, बोलो कौन है? और ये कौन है? डॉटर। मदर और डॉटर सेल में नंबर भी, अमाउंट भी, और दैट्स व्हाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसी को पढ़ाते पढ़ाते मैं उस दिन भावुक हो गया था कि माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, ना तो नंबर बदलता है ना तो अमाउंट बदलता है, किसके किसके बीच में? मदर और डॉटर। लेकिन बीच में एक अवस्था ऐसी आती है एस, जिसमें नंबर से अमाउंट, और इसके रेस्पेक्ट में जब भी चीजें देखोगे, जीवन के रेस्पेक्ट से जब चीजें देखोगे तो चीजें वही रहेंगी, बदल जाएगी। और जो बच्चों के पास दिमाग होगा वो सॉल्व कर देंगे कुछ, जो बच्चों के पास भी दिमाग होगा सॉल्व कर देंगे, क्योंकि तो उन्हें मालूम है ये दो न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस हैं जो अभी सेल नहीं बने, क्योंकि अभी क्या नहीं हुई है? साइटोकाइनेसिस, जो आज का टॉपिक है, क्या नहीं हुई है? तो सर को साइटोकाइनेसिस पढ़ानी है ताकि इन दो न्यूक्लियस को दो सेल मिल जाए। जल्दी ला बेटा सुमित, बड़ी बढ़िया जैकेट लाए यार सुमित, गुड, थैंक यू, थैंक यू बेटा। बड़ी उम्मीदें लेके आता है, चलो जाओ सुमित, जाओ 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 बेटा, पानी उसे काय छीन लिया तुमने, मंगाया था, चलो शाबाश। अब बताओ, अगर मैं जीवन से टीलोफेज का एक न्यूक्लियस देखूं, बताओ ये न्यूक्लियस इक्वल है कि अनइक्वल? इक्वल। अमाउंट में? इक्वल। नंबर में? इक्वल। तो अगर तुम्हें ये गणित दिख रही ना, तो तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से डरोगे नहीं। और अगर ये नहीं दिखा ना, तो मैं हजार क्वेश्चन ऐसे बना दूंगा जिससे तुम घबरा जाओ और तुम्हें लगेगा गलती कहां है जो सॉल्व नहीं हो रहा। अभी मैं पर क्रोमोसोम चला जाऊंगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, पर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में एन और टू सी। अब इस क्रोमोसोम को बताओ, एन एंड सी, नंबर में भी सेम, अमाउंट हाफ, पक्का? और इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, कितना भी बना। फिलहाल मैं टीलोफेज तक पहुंच चुका हूं, और टीलोफेज में हमने जाना है कि एक न्यूक्लियस की दो, पर दो न्यूक्लियस बने हैं और दोनों न्यूक्लियस तक पहुंचते पहुंचते कितनी अवस्थाएं कर दी? चार। पहली कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आज इन न्यूक्लियस को सेल मिल जानी चाहिए, तब प्रोसेस का नाम क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या मैं इसे बंद करूं? कर पाओगे सारे क्वेश्चन? जरा बताओ एस फेज के रेस्पेक्ट में, बिना देखे बताना, एस फेज के रेस्पेक्ट में टीलोफेज की पूरी सेल को रिलेट करो नंबर में, नंबर क्या होगा? डबल, अमाउंट से, एक न्यूक्लियस नंबर से, अमाउंट। तो जब कोई कहते हैं डॉटर कोशिकाओं में
नंबर सेम है और अमाउंट हाफ है, वो जीवन से रिलेट कर रहा है यस। अदरवाइज तुम्हें रिलेट किससे करना चाहिए? जीवन, क्योंकि मदर सेल कहाँ की है? जीवन की। तो मदर और डॉटर में रिलेशन कैसा है? नंबर भी सेम, अमाउंट भी सेम, एंड दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज समझ में आया? चलो बाय बाय करते हैं इसे, और आज हमारा टॉपिक है साइटोकाइनेसिस, इसको डिटेल में लेके जाते हैं। साइटोकाइनेसिस इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। आफ्टर टीलोफेज आपके सामने ये अवस्था आएगी, आप देख लीजिए, दोनों तरीके से देख लीजिए, ये अवस्था आएगी दिस, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ चुके हैं। मे बी इट इज एनिमल सेल, ये एनिमल सेल हो सकती है, और यू भी हो सकता है कि ये प्लांट सेल। और इसमें भी बेटा दो न्यूक्लियस आ चुके हैं, और हम सब जानते हैं कि ये दोनों टीलोफेज की सेल हैं। कैरियोकाइनेसिस हैज बीन हैपेंड जस्ट बिकॉज एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट चुका है, और बाकी जो कहानियां थी वो मैंने पढ़ ली। बट प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज ऑफ सेल वॉल। बताओ प्लांट के बाद क्या होगी? सेल वॉल। ये प्लांट है, ये एनिमल है, किसके पास सेल वॉल होगी और किसके पास नहीं होगी? अब सुनना, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इट स्टार्ट विद द फरोज। एक डिप्रेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट डिप्रेस्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट गेट फरोड और डिप्रेस्ड, और ये डिप्रेशन कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ बढ़ने लगेगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता जाएगा लाइक दिस। और अंततः डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। बताइए एक सेल से कितनी सेल बन गई? तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो बनी, एक बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन बना, फरोज बनी, और ये फरोज डीपेन हुई। डीपेन मतलब अंदर की तरफ डीप करती गई, दे फरोज डीपेंस, डीपेंस मतलब अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होती गई फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। और ये आसान भी है जस्ट बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई हार्ड टिश्यू नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की और प्रोटीन की मेम्ब्रेन और एक सॉफ्ट टिश्यू है, और इस वजह से डिपेंड होते गए कहां से कहां, सेंटर टू पेरिफेरी की पेरिफेरी। तो बताओ हर एक न्यूक्लियस को एक सेल मिल गई, बताइए एक सेल से कितनी सेल? तो पहले क्या डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस। फिर क्या डिवाइड हुई? सेल। नाउ व्हेन वी कम टू द प्लांट सेल, ये आफत है। क्यों आफत है? क्योंकि पहली बात तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। और भाइयों बहनों ये जो सेल वॉल है ये हार्ड एंड रिजिड है, और हार्ड एंड रिजिड चीजों में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करना आसान बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले यहां पर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट इज नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट। ये जो सेल प्लेट बनेगी ये सेंटर में बनेगी, सेल प्लेट, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट।
और याद रखना यही जो सेल प्लेट है इसमें पैदा होगा मिडिल लैमेला। क्या बनेगा? शायद मैंने पढ़ाया है, याद है? यस, दिस मिडिल लैमेला इट विल बी मूव फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, और सेंटर टू पेरीफेरी बेटा मूव करने लगेंगे एंड दिस विल फॉर्म मिडिल लैमेला। एलिसा खड़ी हो, what are the lining, what are the sequence of the structure from periphery to center in the cell wall, from periphery to center? No Purusharth ji, yes, in the plant cell, what will the sequence of the structures in the cell wall of the plant cell? Yes. Mega ji, what will be the sequence? Gajab, मैंने आपको पढ़ाया था ये जो मिडिल लैमेला है इट इज अ कैल्शियम पेक्टेट। बताओ किसका बना है? और मैंने तब भी पढ़ाया था कि इसे याद रखिएगा, कैल्शियम पेक्टेट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, कनेक्टेड बिटवीन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, बिकॉज इसके बाद बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनेगी? तो ये पीला वाला स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो क्या है? अब बताओ, दो सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गए, बीच में क्या है? मिडिल लैमेला। फिर से बोलो यस और नो, और बताओ मिडिल लैमेला अब क्या सिक्रीट करेगी? सॉरी मिडिल लैमेला नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब क्या सिक्रीट करेगी? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी की प्राइमरी, और ये प्राइमरी सेल वॉल कहां? अंदर की तरफ की बाहर? बाहर। जैसे बाहर की तरफ बेटा, बाहर की तरफ जैसे ये सेल वॉल सिक्रीट की जाएगी ये सेल वॉल कहलाएगी प्राइमरी सेल वॉल। बोलो कौन सी? तो बताओ जो ब्लू कलर की सेल वॉल बन रही है इट इज प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सुध आएगी कि यार मुझे प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी सिक्रीट करनी है, और कौन सिक्रीट करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे क्या सिक्रीट कर चुकी है? प्राइमरी। और प्राइमरी सेल वॉल सिक्रीट हो चुकी है तो ऑलरेडी प्राइमरी इज प्रेजेंट, ऑलरेडी प्राइमरी इज प्रेजेंट, और उसके नीचे कौन है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक और सेल वॉल निकालेगी, याद है आपको? और दिस सेल वॉल इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। बोलो क्या? तो मैंने सीक्वेंस आपको सिखाए थे, आपको याद है? बोलो क्या क्या? सबसे बीच में मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्लाज्मा। अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल लैमेला। चलिए बैठिए, शाबाश। हमने इसी दिन के लिए आपसे पूछा था कि भाई आप लोग इसे सीख पाए हो, तब आपने झंडा उलंग करके किया था, बिल्कुल सर सीख गए, आज नहीं बता पाए। बताओ सेल प्लेट बनाते वक्त सेल वॉल बनती है कि मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला। तो साइटोकाइनेसिस सबसे पहले सेल वॉल पैदा करेगा कि मिडिल लैमेला? मिडिल। और ये मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले सेल प्लेट पैदा हुई एंड दैट सेल प्लेट इज नोन एज मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला कनेक्शन बिटवीन टू सेल। अब इस मिडिल लैमेला के रहते रहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो जगह पर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आदत है कि वो क्या सिक्रेट करती है? सेल वॉल। और सेल वॉल को सिक्रेट करने का काम इट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि सेल वॉल भगवान ने पैदा कर दी है, सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बाहर की तरफ करेगी। किसके बाहर? खुद के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद के बाहर जब सिक्रेट करेगी तो पीछे क्या पड़ा हुआ? मिडिल लैमेला। तो प्राइमरी वॉल किसके किसके बीच में आएगी? मिडिल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी वॉल के बाद उसे होश आएगा, कौन सा? सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल को किसके बाद? प्राइमरी के बाद और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो मैंने सीक्वेंस क्या बताया था? सबसे बाहर मिडिल लैमेला, इसके बाहर तो दूसरी सेल चालू हो गई, तो मिडिल लैमेला सबसे बाहर, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो बताओ अगर इधर कोई सेल हुई तो सबसे बीच में क्या होगा, मिडिल में, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, नहीं आया? और ये चीज मैंने तुमको सिखा रखी एट द टाइम ऑफ सेल, और तब आपने सबने कहा था सर हमें आ गया, कुछ नहीं आया। तो बताओ सबसे पहले सेल वॉल बनेगी साइटोकाइनेसिस में, यही जवाब दोगे, क्या बनेगी? सेल प्लेट, एंड दिस सेल प्लेट विल जनरेट, और ये कहाँ बनेगी? पेरीफेरी के सेंटर, और सेंटर से पेरीफेरी जाएगी, तो पहले क्या जाएगी? वॉल की सेल प्लेट, मिडिल लैमला, कैल्शियम पेक्टेट। तो बताओ पेरीफेरी से सेंटर आना एनिमल सेल का काम, और सेंटर से पेरीफेरी जाना। एक साल क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये फ्रेगमोप्लास्ट को बनाने वाला सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ। यस, इट इज गॉल्गी बॉडी। कौन सी बॉडी? तो याद रखना जब भी साइटोकाइनेसिस चालू होगी प्लांट सेल में, इट इज ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ पता नहीं गॉल्गी बॉडी। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आया कुछ कुछ आया, बिल्कुल नहीं आया, चार ऑप्शन दे रहे, सर बिल्कुल नहीं आया, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ से थोड़ा ज्यादा आया, एकदम आया, एकदम आया, अच्छी बात है। तो एक सेल कितने न्यूक्लियस में बढ़ चुकी थी? दो, लेकिन इसने पेरी फेरी से शुरू, क्योंकि इसके पास क्या है? सेल वॉल, जो हार्ड है, रिजिड है। इस सेल वॉल में नई सेल वॉल पैदा करना मुश्किल है, इसलिए हम सेल वॉल पैदा करते हैं कि फ्रेगमोप्लास्ट, एंड दैट इज नोन एज सेल प्लेट। एंड माय डियर स्टूडेंट, सेल प्लेट इज नॉट द सेल वॉल। ओके, कौन बोल रहा? एंड सेल प्लेट आगे कहां पर बनेगी? पहले सेंटर में। कहां प्रोसीड होगी? पेरीफेरी। क्या बनाएगी? मिडिल लैमेला, मेड अप ऑफ कैल्शियम। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने बाहर की तरफ दो वॉल डालेगी, पहली वॉल प्राइमरी, उसके बाद तो सबसे बाहर वॉल के रूप में कौन होगा? प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, और अगर मैं सबसे बाहर चूंगा तो बाहर से अंदर की तरफ मिडिल लैमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्लाज्मा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर अगर विजन अच्छा नहीं तो नहीं आ पाते। आया समझ में अपराजिता जी? बताओ सीक्वेंस समझ में आया? सबसे बाहर, फिर सबसे अंदर, और बताओ पेरीफेरी टू सेंटर। हाँ, कौन? एनिमल की, एनिमल, और सेंटर टू पेरीफेरी, पक्का? चलो इसे बाय बाय करते हैं। साइटोकाइनेसिस पूरी हुई, माइटोसिस पूरी हुई। आपकी बुक बोलती है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इस दुनिया में माइटोसिस क्यों हो रही? नंबर 164 का ऊपर से दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, मैंने पढ़ाया था, बताइए एनिमल सेल में, किसमें? एनिमल सेल में माइटोसिस कहाँ होती है? प्लांट सेल के ऊपर, और प्लांट में, और मैंने कुछ और बताया था, देयर इज एक्सेप्शन इन एनिमल आल्सो। थैंक यू वेरी मच, मुझे लग रहा था कि मैंने ये पढ़ाया नहीं, चलो मैं आपके बैच में कर दिया, दो बैच चलते हैं एक्चुअली, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसमें कहने क्या किया। तो याद रखना मैंने माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को पहले ही बता रखा है कि माइटोसिस पहली बात तो एनिमल सेल्स में, एनिमल में इट इज अ डिवीजन ऑफ द डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल में ये डिवीजन होता है,
और प्लांट में इट इज अ डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड एज वेल एज हैप्लॉइड. डिप्लॉइड कोशिकाओं में भी होता है और हैप्लॉइड कोशिकाओं में भी होता है. एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन लाइफ साइकिल. वेरी गुड. इसका मतलब मैंने पढ़ा दिया है. बोलो तीन लाइफ साइकिल थी. एक कौन सी? अब रुक जरा ध्यान सुनो. माइटोसिस हमेशा चॉइस है सोमैटिक कोशिका. सोमैटिक सेल की चॉइस है कि वो माइटोसिस करे. और सोमैटिक सेल दे आर ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव सेल. और वेजिटेटिव सेल का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. और इसीलिए कहते हैं कि जितनी वेजिटेटिव सेल है वो केवल ग्रोथ करने का काम करती है. तो याद रखना ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब की बार सेल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं. ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर करना है तो बताइए आप कौन सा डिवीजन कराएंगे? मियोसिस की माइटोसिस? मुझे अपनी हड्डियों का साइज बढ़ाना है. मुझे अपने बाल लंबे करने. मेरी कोई स्किन अपनी सही करनी है. माइटोसिस. मेरी बॉडी में बल्क लाना है. माइटोसिस. ग्रोथ करने के लिए माइटोसिस इज द डिवीजन. पहला सिग्निफिकेंट. दूसरा सिग्निफिकेंट, इट मेंटेन द सेल साइज. माइटोसिस मेंटेन द सेल साइज. आप कहोगे सर ये कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने कहा था कि पहले कोशिका सेल ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके अपने अमाउंट को डबल करती है और डबल करने के बाद उसे हाफ करती है. तो हाफ नहीं कर रही, एक्चुअली मेंटेन कर रही. तो इट मेंटेन द सेल साइज. और दूसरा मैंने ये भी सिखाया है, मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम. सो इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ऑल्सो. क्रोमोसोम नंबर. माइटोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर्स. चलो तीन बोलो. पहला बोलो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से? माइटोसिस. दूसरा बोलो मेंटेनेंस ऑफ द सेल साइज. सेल का साइज बढ़ने नहीं देना है. किसके द्वारा? माइटोसिस. और इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर. नंबर भी मेंटेन करने. हाफ करने की मेंटेन. तीन मेन काम. चौथा सुनो, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई वुंड हो गया तो उस वुंड की हीलिंग करने के लिए आपको माइटोसिस करानी पड़ेगी. हीलिंग एंड रीजनरेशन. हीलिंग एंड रीजनरेशन करने के लिए भी माइटोसिस करानी पड़ेगी. काम है क्या? चौथा लिखते जाओ. 1, 2, 3, 4 और पांचवा आपको रीजनरेशन कराने के लिए भी माइटोसिस करानी पड़ेगी. जैसे कि हमारी स्किन की ऊपर लेयर हमेशा खराब होती रहती. जो ऊपर की लेयर खराब होती रहती इस लेयर को रीजनरेट कौन करती है? नीचे की लेयर. और किस प्रोसेस से? माइटोसिस. चलो पांच बोलो. पहला बोलो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इट इज द सेल डिवीजन चॉइस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल और वेजिटेटिव सेल. तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, हीलिंग एंड रीजनरेशन. जो छठा पॉइंट है उसे टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है और उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए. इधर देखो, जब भी कोशिका जीवन में होती है, जीवन, तो उसका न्यूक्लियस का साइज ओरिजिनल कंटेंट रखता है और साइटोप्लाज्म का भी ओरिजिनल कंटेंट होता है. मैंने आपको बताया था जीवन की कोशिका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन रखती. एन बाई सी रेशियो. व्हाट इज एन बाई सी रेशियो? व्हाट इज एन? न्यूक्लियस बाई साइटो. अगर कोशिका जीवन में है भाइयों बहनों, तो वो जिंदगी भर जीवन में गुजार सकती है और वो कभी डिवाइड ना हो. अगर किस फेज में ना जाए और ऐसी कोशिकाओं को हम लोग जी नॉट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियस बड़ा इक्वल है और उनका साइटोप्लाज्म भी ज्यादा नहीं होता, जितना चाहिए उतना है. लेकिन इन कोशिकाओं में एक ग्रोथ आती है, नाम बताओ? एस. इसी को हम लोग बोलते हैं सेल ग्रोथ. फिर से बोलो.
और इस सेल ग्रोथ की वजह से हमारे न्यूक्लियस का साइज, किसका साइज, साइज कम हो जाता है कि डबल, डबल। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, डीएनए का, और डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से डीएनए आ सिंगल की डबल, डबल। तो बताओ एन किसके रेस्पेक्ट में बड़ा हो गया, सी के, यानी साइटोप्लाज्म से ज्यादा क्या हो गया, न्यूक्लियस। और अब हमारी मजबूरी है कि हम इस न्यूक्लियस को इस सेल द्वारा संभाल नहीं पाएंगे, तो अब हम करते क्या है कि बड़े न्यूक्लियस को काट देते हैं। न्यूक्लियस काटना इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, फिर से बोलो। और इसी दौरान हमने साइटोप्लाज्म को भी बढ़ा दिया, तो क्या कर दिया, साइटोप्लाज्म। तो छठा पॉइंट यही कहता है कि माइटोसिस मेंटेन द एन बाई सी रेशियो, इट मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो घर में जाकर के जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ना समझ में आए तो अपने दिमाग की बत्तियां जलाना और बताना अगर कोशिका किस फेज में पड़ी है, जीवन, तो उसका न्यूक्लियस इक्वल है कि डबल है, इक्वल। साइटोप्लाज्म भी इक्वल, उसे डिवाइड करने की जरूरत, पर उसके साथ एक दुर्घटना हुई, नाम बताओ, एस फेज। और एस फेज में जाते ही न्यूक्लियस के अमाउंट डबल हो गए, क्या हो गए, कौन सा डबल हुआ, क्या डबल हुआ, डीएनए डबल हो गया। इसलिए न्यूक्लियस का कंटेंट साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, इसलिए एन बाई सी रेशियो डिस्टर्ब, जिसमें क्या बढ़ गया, एन, क्या कमरा, सी। इसलिए हमें एन को काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, एन को काटना, कैरियोकाइनेसिस। कितनी फेज है, चार, प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज। और जब हम ये कर बैठते हैं तो फिर साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करते हैं, वी मेंटेन द एन बाई सी रेशियो, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो हितेन टोटल कितने पॉइंट हो गए, छह। कल कोई तुमसे पूछे कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, छह बता पाओगे, पक्का, ऐसे नहीं मानता मैं, अब बता पाओगे बिना देखे, हाँ चलो बताओ। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, द माइटोसिस इज द चॉइस ऑफ वेजिटेटिव सेल की रिप्रोडक्टिव सेल, और वेजिटेटिव सेल रिप्रोडक्शन करते हैं कि ग्रोथ, तो पहला काम ग्रोथ ऑफ सेल की, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो माइटोसिस का पहला सिग्निफिकेंस है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहला। दूसरा, सेल के साइज को मेंटेन रखना। तीसरा, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना, मम्मा में 2n2c तो बच्ची में भी 2n2c, पक्का, तीन पॉइंट। चौथा, वुंड की हेले, आपको चोट लग गई, मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, रिपेयर के लिए माइटोसिस, रीजनरेशन के लिए माइटोसिस, पांच पॉइंट हो गए। और छठा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, जब जब सेल का एन बाई सी रेशियो डिस्टर्ब होगा, व्हाट इज एन, न्यूक्लियस, व्हाट इज सी, जब जब एन बाई सी रेशियो डिस्टर्ब होगा, इसे मेंटेन करना पड़ेगा बाय सेल डिवीजन, और ये माइटोसिस को करना आता है, एंड दिस इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ एन बाई सी रेशियो। भाइयों बहनों, दो दिन से लगा हूं और ये तीसरा दिन है आज, आज जाकर के माइटोसिस से मुक्ति मिली मेरे, पर ये मुक्ति मेरी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से तब तक नहीं है जब तक कि तुम इसके क्वेश्चन सही से लगा नहीं पाते। तो मैं उसके शीट्स जितने जल्दी बन के आपको मिल जाएं उतने जल्दी कोशिश करूंगा कि मिल जाएं, बन रही हैं शीट्स, और उनको मैं ऑनलाइन में पीडीएफ फॉर्म में भी डलवाऊंगा। इनके जितने क्वेश्चन मिल जाएं किसी भी कोचिंग के, एल एन, आकाश, पाताल, किसी के भी, उनसे डरना मत, क्योंकि सेल डिवीजन बिल्कुल फिजिक्स जैसा है, उसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पर एन तो वहां पर टू एन तो वहां पर टू सी क्या होगा, क्या आप इसे कर पाएंगे? Yes, और अगर आपके सामने पिक्चर सही है तो आप डरेंगे नहीं। यस yes? बताओ माइटोसिस टर्म किसने दिया था? लेविंग ने दिया था। इसमें एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनते हो? दो। मदर और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम है। Yes, यही क्या कम है कि तुम्हें इतना आ गया, बहुत आ गया, क्रोमोसोम नंबर सेम, एक मदर सेल से
दो डॉटर सेल बनी। यस सर। थैंक यू वेरी मच। और बताइए क्या पूरी सेल साइकिल में दो फेज है? यस सर। एक का नाम इंटरफेज, दूसरा एमफेज। तुम कल आए नहीं, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। हाँ आए थे तो मैंने डिस्कस किया था। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर इन्होंने पढ़ाया, इनको पढ़ाया गया कि जीवन फेज में सारी प्रोटीन बन जाती हैं एक्सेप्ट हिस्टोन। मैंने कहा था कि ये पुरानी किताबें हैं जिसमें ऐसा डिस्कस किया जाता है। मैंने कहा था हिस्टोन क्यों नहीं बनती, क्योंकि हिस्टोन किसकी पैकेजिंग के लिए जरूरी है? डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग की जरूरत कहां पर आएगी? एस फेज। तो बताओ हिस्टोन का फॉर्मेशन जीवन में होने की जरूरत नहीं है, किसमें है? एस। तो एक प्रोटीन है जो एस फेज में बनती है, बोलो कौन? हिस्टोन, क्योंकि हिस्टोन इज रिक्वायर्ड फॉर। लेकिन इनका क्वेश्चन ये था कि सर G2 में प्रोटीन नहीं बनती, तो मैंने इनको थोड़ा डांटा। ये मेरे पुराने स्टूडेंट, इनको मैं बहुत डांटता हूँ। मैंने कहा कि तुम किसी का भी नाम लेकर एक क्वेश्चन मत पूछा करो। मैंने आपको छह चीजें बताई थी, आपको जीवन की छह चीजें याद हैं? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, आरएनए और एटीपी, मोस्ट ऑफ द सेल आरएनए। और प्रोटीन के बारे में मैं डर के बोला था सम प्रोटीन, ऑल प्रोटीन की सम। इनमें के बाद हिस्टोन कहां पर बनी? एस फेज। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन G2, आरएनए भी G2, आरएनए पहले भी बन चुका है। हाँ जीवन पक्का। और तीन सेल ऑर्गेनेल MCG, व्हाट इज एम? क्लोरोप्लास्ट। तो कल को कोई क्वेश्चन यूं आ जाए कि सर जीवन में प्रोटीन बनती कि नहीं बनती? बन सकते हैं नो डाउट, क्योंकि अमीनो एसिड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कहां पर है? G2। हिस्टोन S। और तुम दिखे नहीं, मैंने कुछ कल क्वेश्चन डिस्कस किया थे आप। ओके थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इट इज स्किन, स्किन की सात लेयर होती, कितनी? एपिडर्मिस में सात लेयर होती, जिसकी सबसे नीचे वाली लेयर है क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कौन सी? और ऊपर की एपिथीलियम स्क्वैमस है, कैसी है? स्क्वैमस। ये मैं टिश्यू में पढ़ाया था, केराटिनाइज की नॉन केराटिना, केराटिना। और ये झड़ती रहती है, और इस झड़ती हुई एपिडर्मिस की ऊपरी लेयर को बनाने वाली कौन सी लेयर है? नीचे। और नीचे वाली लेयर नई नई सेल पैदा करेगी बाय द प्रोसेस नोन एज माइटोसिस। इसी तरीके से रिपेयर और रिप्लेसमेंट चलते रहते हैं, जैसे बोन मैरो से नई WBC, नई RBC बनती रहती है। बताओ एक RBC का कितना दिन? 120 दिन। तो जो तुम्हारे पास ब्लड में RBC है वो सालों साल चलेगी कि 120? तो क्या 120 दिन के बाद तुम्हें नई सेल चाहिए? वो नई सेल कहां से आएंगी? बोन मैरो। तो इसी को मैंने बोला रिपेयर रीजनरेशन। हाँ तुमने किसके बोला, किसने बोला भैया? ए भगवान, अब तुम MBBS पढ़ोगे? लो लो अब लो पढ़ो MBBS। RBC जब बन रही होती है तो उसकी बच्चा RBC को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। आधा नॉलेज बेटा बड़ा खतरनाक होता है, अधजल गगरी छलका जाए, एरिथ्रोब्लास्ट। और दूसरी होती है एरिथ्रोसाइट। जब भी कोई ब्लास्ट मिले, क्या मिले? ब्लास्ट मिले, इट इज बच्चा सेल, और साइट इज मैच्योर सेल। तो जब बच्चा सेल बनती है बोन मैरो से, तब तक उसमें न्यूक्लियस रहता है, और ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ड्यूरिंग बताओ न्यूक्लियस रहता है कि गायब हो जाता है? तो बताओ मैच्योर RBC इज अ बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स की बाई कॉनकेव, न्यूक्लियस प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। पर क्या शुरुआत से न्यूक्लियस नहीं है? है। अब बताओ क्वेश्चन, यहां बताओ क्या सेल मेटाबॉलिज्म इज एक्टिव? मेटाबॉलिक सेल एक्टिविटी की थोड़ा एक्टिविटी थोड़ी स्लो होगी, क्यों? क्योंकि ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिव सेल के लिए क्या चाहिए? सेल ऑर्गेनेल। और से ऑल सेल ऑर्गेनेल वेल प्रिजर्व कहां है? इंटरफेस। किसमें? इंटरफेस। इसीलिए पूरे 24 घंटे में एक घंटे का टाइम किसको दिया गया? सेल डिवी। क्योंकि इस तरह इस समय पर रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा, क्या चल रहा है? पता चला ER अपनी शक्ल खो बैठे हैं, और कोई कहे प्रोटीन सिंथेसिस करो, पगला गए, उसका प्रोटीन सिंथेसिस होती है RER में, और RER दिखाई तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। इसीलिए M फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ER
अरे यार, आर यार, एस यार, इसीलिए सेल को 24 घंटे में 23 घंटे दिए गए हैं कि वो अपनी मेटाबॉलिज्म करती रहे और एक घंटे में फटाफट क्या करे। एक क्वेश्चन बेटे ने, बच्चे ने बहुत पूछा, हालांकि मुझे मेरे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब मैं काकादेव में पढ़ाने आया तो मुझे पता चला। उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम, बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोला क्रोमोसोम बेस्ट अपीयरेंस कब होता है। मैंने आपको बताया इज बेस्ट अपीयरेंस इन मेटाफेज, एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। पर मेटाफेज में आप क्या क्या देखोगे? आप इसकी साइज देख सकते हो, इसकी थिकनेस देख सकते हो और इसकी मॉर्फोलॉजी, क्या देख सकते हो? पर शेप नहीं देख सकते। आप शेप क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि शेप के हिसाब से आपके पास चार क्रोमोसोम। बोलो कौन? मेटासेंट्रिक। भूल गए आप, मैंने पढ़ाया था। बोलो क्या है? मेटासेंट्रिक। दूसरा, सब मेटासेंट्रिक। बोलो सब मेटासेंट्रिक होगा, वेरी गुड। और एक्रोसेंट्रिक, याद है आपको? एक्रोसेंट्रिक के बाद टीलोसेंट्रिक। तो चार कोश, चार बेटा क्रोमोसोम के सेम है। किसी को याद होगा मैंने बोला था इस केस में क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर बीचों बीच मेटासेंट्रिक हो गया, इसीलिए इसको मैंने बोला था सेंट्रोमियर से दोनों की दोनों, दोनों के दोनों आर्म ऑफ क्रोमेटिड इक्वल होंगे, तो वी से कैसा? वी से। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक में एक बड़ा और एक छोटा, तो जब ये खींचा जाएगा, याद है, तो मैंने बोला था सेंट्रोमियर कैसा आएगा? एल से, एल से दिखाई पड़ेगा। मैंने एक्रोसेंट्रिक में बताया था एक और छोटा और एक बड़ा, तो मैंने कहा था ये कुछ कुछ आपको ऐसे मिलेगा, मिलेगा। बताओ कौन सा सेब? जे से। तो बताओ ये वाला सेब कौन सा है? जे से। ये वाला? एल से। ये वाला? बी से। फिर मैंने बोला था यहां पर क्रोमोसोम कैसा आएगा? आई से। बोले कब पता चलेगा? बोले जब खींचे जाओगे तो शक्ल आएगी आपकी। खींचेगा कौन? एनाफेज। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर तो होंगी टुवर्ड्स पोल, एनसीईआरटी ने लिखा है टुवर्ड्स, और इनकी आर्म होंगी टुवर्ड मेटाफेजिक प्लेट, और अगर इनकी आर्म मेटाफेजिक प्लेट की तरफ है तो दोनों बराबर है, तो वो कैसी दिखाई पड़ेगी? बी से। और अगर एक छोटी और एक बड़ी है तो कैसी दिखाई देगी? एल से। तो बोलते हैं कि अगर मुझे साइज देखनी है इट इज मेटाफेज, थिकनेस देखनी इट इज मेटाफेज, मॉर्फोलॉजी देखनी इट इज मेटाफेज, लेकिन शेप ऑफ क्रोमोसोम कि वो वी शेप है, एल शेप है, जे शेप है कि आई शेप है, इट इज इन एनाफेज। एनाफेज को मैं, आप लोग याद रखिएगा, वी सी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। और हमको ये रटवाया गया जब हम काकादेव पढ़ने आए तो बोला गया सपना। अच्छा, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले सेप इन एना। अच्छा, ये सपना, सेप इन एना, एना फेस, दैट इज नोन एज सपना। माफ करिए अगर किसी का नाम सपना हो, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसे ही याद करवाया। बताओ सपना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सपना? अगर सेप ऑफ क्रोमोसोम देखना है तो किसमें? एना फेस। और कोई क्वेश्चन? इसको तो मैं पढ़ा चुका हूं, डंडा लो। When the karyokinesis happen without cytokinesis, it is known as free nuclear division. कौन? अरे उसके न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे, न्यूक्लियस बढ़ते रहेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलते रहेंगे, उनमें से कुछ को साइटोकाइनेसिस मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। मल्टी न्यूक्लियर सेल आ गई, न्यूक्लियस आ गया, अब इसी सेल में पड़े पड़े एस फेज आ गई, एस फेज आ गई। चुप रहो, क्वेश्चन पूछ रहा, कम से कम इतनी तुम्हारे काम भी आ सकती, तुम्हारा क्वेश्चन भी हो सकता है। अभी इसी दोनों न्यूक्लियस में बेटा जीवन से एस फेज आ गई, एस फेज आ गई तो इनका क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? डबल। एंड नाउ दिस क्रोमोसोम नंबर डबल, नहीं, अमाउंट क्या हो गया? डबल। और फिर यही न्यूक्लियस फिर दो भागों में बढ़ गया। अब बताओ, पहले एक में दो थे, अब एक में चार, अब किसी का मन किया तो एक जगह साइटोकाइनेसिस हो गई,
तो पता चला दो दो बंट गए। तो साइटोकाइनेसिस किसकी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाती, कैरियोकाइनेसिस। जितनी तेजी से कैरियोकाइनेसिस हो रहा उतनी तेजी से साइटोकाइनेसिस। और अगर मैंने एंडोस्पर्म पढ़ाना चालू किया हो तो तुम्हें याद होगा पहले पूरा का पूरा एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर हुआ था, यस और नो, और फिर इसके बाद उसमें सेल बनी थी। और यही हुआ था एम्ब्रियो सैक में, किसमें बताओ, कितनी एक सेल में कितने न्यूक्लियस, आठ, आठ न्यूक्लियस मिल गए थे। यानी तीन बार माइटोसिस, कितनी बार, तीन बार। पहली माइटोसिस में एक से, दो से, चार से। अब तुम पूछो कि पहली बार के बाद दूसरी बार कैसे हुआ होगा, ऐसे ही हुआ सर। ये तो माना कि ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, मान लिया इस पे एक सेल पे एक न्यूक्लियस है, पहला डिवीजन एक से दो, अब कैसे हुआ होगा, फिर ये एस फेज में गए होंगे, और फिर दो से चार, फिर चार से, ये क्वेश्चन वहां तुम्हारा जायज था। अब आठ कोशिकाएं बन गए, सॉरी आठ न्यूक्लियस बन गए, पर इनको सेल बाद में सेल मिली, और बाद में जब सेल मिली तो तीन सेल का नाम था एग ऑपरेटर, तीन का नाम था, और एक सेंट्रल सेल में एक न्यूक्लियस की दो, बताओ कितनी सेल, सेवन सेल एक न्यूक्लियस। व्हाट नॉट फॉलोड द व्हाट, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एंड दैट्स दैट डिवीजन इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FND। व्हाट इज FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तीन जगह मैंने पढ़ाए ट्रैपिटम का फॉर्मेशन, ट्रैपिटम यूनिन्यूक्लियर की मल्टीन्यूक्लियर, मल्टीन्यूक्लियर, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन इसी डिवीजन से होते हैं, नाम बताओ, फ्री न्यूक्लियर। और उसका क्वेश्चन ये नहीं है, तुम कोई नहीं समझ पाए, मैं उसका टीचर हूं, मैं समझता हूं, कहता है कि सर पहली बार तो ठीक है एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए मान लिया, अब ये दो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होंगे, पढ़े पढ़े फिर से इन्होंने कौन सी फेज अपनाई होगी, एस, डीएनए का क्या क्या होगा, डुप्लीकेशन, फिर क्या क्या होगा, डिवीजन। एक न्यूक्लियस का रेस्पेक्ट लेकर के चलना, क्योंकि एक ना एक दिन एक न्यूक्लियस को क्या मिलेगी, सेल। ओके सर, जब एक सेल से दो न्यूक्लियस बनते तो एक न्यूक्लियस का रेस्पेक्ट जीवन के साथ क्या होता है, इक्वल की अनइक्वल, इक्वल, पर पूरी सेल का डबल। मान लो ऐसी चार न्यूक्लियस होते तो हर न्यूक्लियस का जीवन के साथ इक्वल, लेकिन चार न्यूक्लियस का चार गुना, पल्ले पड़ा और कुछ संतुष्ट, पढ़ना और कल पूछना, अच्छी बात है। इतने दिनों में छह महीने से तीन महीने से पढ़ा रहा हूं, कोई एक बच्चा क्वेश्चन किया, और हम अपने टीचर से तो इतने क्वेश्चन ही आते थे कि टीचर कहता था तुम मत खड़े होना, क्योंकि हमें लगता था कि हमें बायोलॉजी बहुत आती है, और हम अपने दोस्तों से कहते थे देखना आज इनको फंसा देंगे, और हम इसी करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। पहली साल सिलेक्शन हुआ होगा, नहीं हुआ, दूसरी साल, तीसरी साल हो गया, तीसरी साल कल आ जाती। पर अगर आपके क्वेश्चन क्यूरियोसिटी के हैं, जैसे कि इस बच्चे के, इट इज ऑलवेज वेलकम, तुम्हें जितना पूछना है पूछो, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं आएगा तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं तुम्हें गलत पढ़ाऊं, मैं क्या बोलूंगा, सॉरी कल देख के। ओके चलो आप बताओ माइटोसिस के बाद क्या पढ़े, आइए किसको, एन बाई सी रेशियो को फॉलो। देखो एक और क्वेश्चन आया कि जिस समय पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था तो एन बाई सी रेशियो को फॉलो क्यों नहीं किया, क्यों फॉलो नहीं किया, आप तुम बताओ मुझे, आपको कैसे लगता है कि मैं एन बाई सी नहीं फॉलो हुआ है, यस यू स्टैंड अप, बिकॉज वन न्यूक्लियस इज नॉट फॉर द होल साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई वी हैव डन द कैरियोकाइनेसिस, नाउ अगेन दिस न्यूक्लियस इज फॉर द होल साइटोप्लाज्म, this is again for the whole cytoplasm, during this the cell also grow in cytoplasm, agar cytoplasm mein grow kar raha to it can contain the two nucleus, ye baat aur hai ki isme cytokinesis nahi hui, iska ye matlab nahi ki unme cell growth nahi hui, iska ye matlab nahi hai ki functional megaspore ki jo size thi wahi size embryo sac ki, no, functional megaspore se bada ho chuka hai kaun, embryo sac, baitho aur kuch, आइंस्टीन आगे बढ़े हैं? नहीं, अभी जैसे मैं मियोसिस लिखूंगा सर, एक और
और कुछ पूछ लो. थैंक यू वेरी मच. ओके नाउ इट इज मियोसिस. ओके देख रहा हूं कितने लोग हैं जो इधर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को कोई मतलब नहीं. अभी कौन सा डिवीजन खत्म किया है? आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं कसम से मियोसिस पढ़ाने के पहले तुम्हारी बुद्धि में कुछ बातें डालना चाहता हूं. इसको यहीं छोड़ देते. ये मेरे आज का टॉपिक भी नहीं है. यहां तक पहुंच गया तो मैं बहुत बड़ा राजा, नहीं पहुंच पाया तो कोई बात. आज मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं जो मैं पिछले 10-12 दिनों से कई बार बोल चुका हूं. मैंने बोला कि मैं नहीं था, मेरे फादर साहब थे. हम सबके साथ ऐसा था. और मैं नहीं था, मेरी मदर जी भी थी. हम सबके साथ ऐसा ही. एकदम शांत रहना, मजाक मत करना. जब हमारे फादर साहब और मदर जी थी तो ये लोग 2N लोग हैं, डिप्लॉयड लोग हैं. डिप्लॉयड 2N एंड दिस इज 2N. 23 पेयर क्रोमोसोम इनके पास है. 23 पेयर क्रोमोसोम इनके पास है. 23 पेयर एंड ही ऑल्सो हैविंग द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. एवरीवन हियर, सब लोग यहां. और फादर साहब ने गैमीट बनाया जिसका नाम है स्पर्म. और इधर आया मदर की तरफ से ओवा. हम सबके साथ ऐसा ही है. और हमें बताया गया कि स्पर्म में हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, ओवा में हैप्लॉइड क्रोमोसोम है. एंड आई वांट टू नो दिस कि हैप्लॉइड का मतलब क्या है. यहां पर कितने थे? 23 की 46. और हर पेयर का एक क्रोमोसोम आया. पूरा पेयर आया कि एक? तो बताओ ऐसे एक एक करके कितने लोग आए? 23. बिटिया गई सो मत बेटा, आपके पीछे मत सो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वरना मेरी मियोसिस गड़बड़ा जाए. मैं सच में नहीं पढ़ा पा, ये फीलिंग नहीं आई तो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ा. और मदर साइड में भी 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम आए. 23. तो मम्मा के पास से 23 और पापा के पास से 23. अब की बार पेयर की हम पेयर, और इधर से भी अनपेयर. और ये दोनों लोग फ्यूज हुए और मैं बना. मेरा नाम है जायगोट. ये मेरी पहली इस बार की शक्ल है. ये मैं हूं शक्ल में. आप सब ऐसे ही हैं जायगोट. और इस जायगोट में एक सुविधा की गई कि पापा की तरफ से आने वाला पहला क्रोमोसोम मम्मा की तरफ से आने वाले पहले क्रोम के साथ पेयर में रहे. पापा की तरफ से आने वाला दूसरा क्रोमोसोम मम्मा की दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर में रहे. याद रहे, पहला दूसरे के साथ नहीं होगा. पहला पहले के साथ, दूसरा तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे. और ऐसे कितने पेयर बने? 23. और इन पेयर को बोला गया होमोलॉगस पेयर. बोलो क्या? और आज फील करके सुनना, मम्मा का पहला क्रोमोसोम और पापा का पहला क्रोमोसोम दोनों पेयर में रहते हैं. दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ पेयर में रहता है. और पापा ने अगर दिया एक्स और मम्मा ने तो हमेशा क्या देना है? एक्स. तो हम हैं लड़की. और अगर पापा ने दिया वाई, मम्मा ने दिया एक्स, तो हम हैं लड़के. तो बताओ इसमें लड़का और लड़की कौन डिसाइड करेगा? फादर. खैर, ये वाले सेक्स क्रोमोसोम भी पेयर के हैं. पेयर एक्स एक्स पेयर या फिर एक्स वाई पेयर. तो 23 के 23 पेयर पेयर में रहना चाहते हैं. और मियोसिस इस बात की सुविधा देती है कि जब तुम मेटाफेज में आओ. किसमें आओ? नहीं सुना मैंने. तो पेयर में आओ कि अनपेयर? पेयर में आओ. और मेटा फेज ऑफ द माइटोसिस वाज अनपेयर. और जिसने ये बात सीख ली मियोसिस जीन में उसके. जैसे मैंने माइटोसिस कैसे सिखाई थी? क्या सिखाई थी माइटोसिस? सिखाई थी दो बातों से,
कि जब भी सेल डिवीजन होगा सेल ग्रोथ जरूर होगी, यस और नो? और मैंने कहा था जिसने ये बात सीख ली कि सेल ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन, वो जानेगा सेल में दो चीजें ग्रो कर सकती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यस और नो? और फिर मैंने कहा था न्यूक्लियस में क्या ग्रो करेगा, डीएनए, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल, फिर बेटा डीएनए और साइटोप्लाज्म के ग्रो करने के बाद हम करेंगे सेल डिवीजन। आज मैं तुम्हें फिर से सिखा रहा हूं कि मियोसिस के मेटाफेज और माइटोसिस के मेटाफेज में एक ही अंतर है, क्या? माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम एक साथ आते थे और मियोसिस में 46 नहीं आएंगे, 23 आएंगे कि 23 पेयर? तो इनकी मेटाफिजिक प्लेट और उनकी मेटाफिजिक प्लेट में अरेंजमेंट एक जैसा क्या लगा? किसमें अनपेयर? शाबाश, किसमें अनपेयर? माइटोसिस, किसमें पेयर? मियोसिस। बिना पढ़ाए बता रहा हूं कि अगर मेटाफेज प्लेट में, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं तो ऐसे रिस्क लेता हूं कि थोड़ा बहुत बुद्धि आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, अगर मेटाफेज प्लेट में पेयर्ड क्रोमोसोम है तो स्पिंडल एक क्रोमोसोम में बनेगा कि अलग अलग? हाँ, अलग अलग, एक और अलग अलग। तो खिंचाव होते वक्त मेटाफेजिक प्लेट से टूटेगा कौन? क्रोमोसोम नहीं टूटेगा, पेयर टूटेगा। क्या टूटेगा? और ये क्या रहेगा? एन। ये क्या रहेगा? एन। पहले 2n लोग एक सेल में थे, अब एक सेल में क्या जाएगा? एन। दूसरे में नहीं आया, पहले ही डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर 2n से क्या हो गया? एन। बताओ क्रोमोसोम नंबर पूरा क्या? आधा। आधा। श्रम को नहीं समझ में आया। मियोसिस में फिर पढ़ा जाऊंगा, गधों की तरह पढ़ाता रहूंगा, ये होता ये होता, तुम पढ़ते रहोगे, तुम भी बेवकूफों की तरह चले जाओगे। पर अभी अभी तय करना है कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या, अभी तय करो। अभी बताओ जब मेटाफेज बनती है तो मियोसिस में पेयर्ड की अनपेयर्ड 46 क्रोमोसोम एक साथ अलग अलग की बेटा पेयर में 46 लोग खड़े हुए, और जब मियोसिस हुई तो 46 लोग एक साथ आए कि पेयर में? क्योंकि पहला क्रोमोसोम मम्मा का पहले वाले पापा के क्रोमोसोम के साथ, पापा का पहला क्रोम मम्मा के पहले क्रोमोसोम के साथ पेयर में रह ऐसा चाहता है, एंड दीज पेयर्ड क्रोमोसोम नाम उन्होंने होमोलॉगस, फिर से बोलो, और बस मियोसिस और माइटोसिस में इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है कि इनकी अपियरेंस, जब ये अपियर होते हैं, जब ये फिर से बोलो, वो अनपेयर होते कि पेयर? हाँ, जरा माइटोसिस में देखो, जब ये अपियर हुए थे मेटाफेज में भी ये बहने लगे थे, इसका मतलब मेटाफेज के पहले जो आएगी प्रोफेज, कौन सी? तो कोई ना कोई ऐसी सुविधा की गई होगी ताकि ये पेयर में रहे, किस में रहे? इतनी तो मियोसिस सब लोग पढ़ चुके हैं कि सिनेप्सिस तो सुना ही होगा, सुना है? नहीं सुना, कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इट हैपेंस इन प्रोफेज, और आज मैं वो सिखाऊंगा, चिंता मत। मैंने अभी पढ़ाया नहीं, मैंने कहा था मियोसिस को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कट लगाया, मैंने कट लगाया। भैया मेरी मदद करना, अब मैं इसे हटा रहा हूं। मियोसिस की पहली बात क्या है बताओ? क्रोमोसोम जब अपीयर होंगे अनपेयर्ड की पेयर, पेयर, और माइटोसिस में 46 यहां भी अपीयर हुए, 46 वहां भी अपीयर हुए, प्लेट में कितने आए? 46 यहां, 23 पहला वाला पापा का पहले वाले मम्मी के साथ, बताओ क्रोमोसोम पेयर, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, यानी मदर और फादर से जो क्रोमोसोम मिल रहे हैं हमें वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? एंड दिस पेयरिंग इज नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। और सुनो, भगवान तुम्हारी बुद्धि सही रखे, इनमें भी सेल साइकिल होगी,
इनमें भी G1 होगा, इनमें भी S होगा और इनमें भी G2 होगा। भैया इधर देखो, जीवन में क्रोमोसोम मैं पेयर मान के चल रहा हूं क्योंकि इनका अपियरेंस पेयर में ही होना है। एस में क्रोमोसोम भी पेयर में है, बस आपको मालूम है ये सी और टू सी क्या, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, याद है। जी टू में भी यही। अब प्रोफेज में जब क्रोमोसोम आया तो बताओ अलग अलग प्लेट में आया कि बेटा एक प्लेट में पेयर्ड, पेयर्ड आया। अब बताओ जब मेटाफेज में इसमें स्पिंडल बन रहे होंगे तो बताओ एक एक क्रोमोसोम में अलग अलग कि बेटा दोनों क्रोमोसोम में अलग अलग कि पेयर में पेयर। तो वहां क्या टूटता था? सेंट्रोमियर। यहां क्या टूटेगा? जोड़ा। इसे खींचोगे तो ये अलग, इसे खींचोगे तो ये अलग। इसका मतलब जो N और N था वो कितना था? 2N। नंबर पे ध्यान दे प्लीज, N और N, केवल नंबर पे ध्यान दे, 2N। बोलो क्या है? 2N। अब एक एक अलग अलग सेल में चला गया, N और N, N अलग, N अलग। तो बताओ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। तो पहला डिवीजन ही कौन सा डिवीजन? क्रोमोसोम नंबर को डबल करेगा कि हाफ। और जब हाफ हो जाएगा तो 46 से बचेंगे, एक सेल में 23 कितने और दूसरी सेल में 23। और बुद्धि अगर सही है तो मम्मा और पापा के क्रोमोसोम एक साथ हो गए कि अलग अलग अलग। और अब जब ये दोबारा अपीयर होंगे मेटाफेज में तो पेयर्ड की अनपेयर्ड, अरे यार पेयर्ड की अनपेयर्ड, अरे पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं शायद आ जाए। तो बताओ मियोसिस फर्स्ट में पेयर अलग हुआ और एक सेल से कितनी बनी? दो सेल, और दोनों सेल में क्रोमोसोम, एन और एन। और अब जो एन और एन बना है उस ओ एन में पेयर होगा कि अनपेयर? अनपेयर। ये वाला 46 में से 23 किसके थे? मम्मा के। 23 किसके? पापा के। साथ में रहते थे, पहले डिवीजन में मम्मा के क्रोमोसोम अलग, पापा के अलग। अब जो न्यूक्लियस में गए हैं ये पेयर है कि अनपेयर? अब इनकी मजबूरी है कि ये अपीयर होंगे तो पेयर कि अनपेयर। और अब अगर अनपेयर अपीयर होंगे तो अब कहां टूटेगा? सेंट्रोमियर। तो मियोसिस में कितने डिवीजन? दो। पहले डिवीजन में पेयर अलग होगा और दूसरे डिवीजन में क्रोमोसोम टूटेगा। यस और नो? दूसरा डिवीजन माइटोसिस जैसा, किसके जैसा? और पहला? तो पहले डिवीजन से एक से दो और दूसरे से दो से चार, तो अमाउंट भी आधा और नंबर भी आधा। नहीं आया? मैंने पढ़ाया कुछ नहीं? पढ़ाया, मैं जानता हूं मैंने नहीं पढ़ा। कुछ लोगों ने तो कहा कि नहीं पढ़ाया, तो हमने पढ़ा भी नहीं। भाव में जाओ तुम, है ना? अब जा रहे पढ़ाने, अब ले पढ़ो, ये ले। अब की बार मियोसिस में कट्टम काट नहीं है, मियोसिस में ये है। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मियोसिस। मियोसिस इज द डिवीजन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। It is a division of gametogenesis. और होता यूं है कि diploid organism the diploid organism they produce their gamete by meiosis. और जब भी diploid organism से gamete बनता है it is always haploid. प्रोसेस का नाम है मियोसिस। कितने क्रोमोसोम होंगे वो क्रोमोसोम उतने रहेंगे कि आधे हो जाएंगे? तो याद रखना मियोसिस इज द डिवीजन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस हाफ गैमेट और हैप्लॉइड गैमेट्स।
एंड दीज हैप्लोइड गैमिट, वन ऑफ देम इज ऑफ मेल गैमिट, अनदर वन ऑफ देम ऑफ फीमेल गैमिट, दे ज्वाइन टू फॉर्म जायगोट. क्या बनाया? जायगोट. एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. बोलो क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन. और इसी फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बना है, ये फिर से क्या बना देगा? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. साथ इसको मैंने तीन साइकिल में पढ़ाया. पहला कौन है? प्लांटिक. दूसरा कौन? डिप्लॉन्टिक. तीसरा, जिसमें से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल याद है, मेन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड के डिप्लॉइड. क्या किया? मियोसिस. क्या बनाए? गैमेट. गैमेट कैसे? हैप्लॉइड. फिर से बोलो. दोनों गैमेट फ्यूज हुए. प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन. क्या बना? जायगोट. जायगोट एन के टू एन. टू एन से क्या बना? एम्ब्रियो. फिर से बोलो. एम्ब्रियो एन के टू एन. टू एन ऑर्गेनिज्म बना एन के टू एन. तो मियोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, और इन हैप्लॉइड गैमेट को जोड़ करके किस प्रोसेस के द्वारा? फर्टिलाइजेशन. क्या बनाया जाता है? जायगोट. और जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो. ये और बात है कि मियोसिस में एक इंटरफेस. कितने? एक इंटरफेस. फिर से बोलो. एक इंटरफेस. फिर से बोलो. एक इंटरफेस. कितने बार जीवन? एक बार. बेटे इतना काहे दुखी? नहीं समझ में आ रहा, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं. अच्छा इसे बाय करें? नहीं पढ़ेंगे. बट इतना गंदा गंदा पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं माइटोमियोसिस पढ़ा नहीं रहे, फिर पढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा. हाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हम तुम्हारे दिमाग को थोड़ी सी शांति देना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहते हैं, ताकि तुम इस मियोसिस के बड़े तूफान को झेल सको. पानी पिला लो भैया, पी लो आके. आओ तुम ये बताओ, दूसरे का पानी काय मांगते हुए लग्गर हो? बिल्कुल. व्हाट इज द लग्गर? डू यू नो अबाउट द लग्गर? आई एम सॉरी, आपके लिए नहीं है, मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ. हमारे घर में एक लग्गर कुकुर था. व्हाट इज दैट मीन? एक रोटी डालो, खा के निकल जाता, फिर खड़ा रहता है. अरे बेवकूफ, सटीक एकदम ऐसे बिल्कुल. माय डियर स्टूडेंट, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं. इसमें जो त्रुटियां हो कृपया क्षमा करें. रिलैक्स रिलैक्स, एक डीप ब्रेथ इनसाइड लो. अब छोड़ो. अरे कुकर हो गया कि जो लोग कर रहे हैं वही काम करें जो अपने घर में कर सकते हैं. घर में ऐसे बदतमीजी कर सकते हैं? नहीं, ये तो घर नहीं है सर, हम तुम्हारे पापा. जस्ट लाइक पापा चलेगा? चाचा, दादा, बाबा, पर बाबा. ओके. कल मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेनेवर देयर इज अ सेल साइकिल, जब भी कभी भी सेल साइकिल होगी भाइयों बहनों, उस सेल साइकिल में सेल ग्रोथ जरूर होगी. मेरे बच्चे शांत रहो. सेल ग्रोथ के साथ साथ सेल डिवीजन जरूर होगा, होना भी चाहिए. वो बोलना, हम सुन रहे हैं. तो बोले सेल साइकिल में दो प्रोसेस होने भी चाहिए, एक सेल ग्रोथ, दूसरा. अब सेल डिवीजन का इस बार नाम मियोसिस है, उस बार था माइटोसिस. तो सब ठीक है, मियोसिस है, मान लिया कि सेल डिवीजन मियोसिस. ये मान लिया कि पहले भी सेल डिवीजन में दो ही बात थे, तो इसमें भी वही दो बात होंगे. पहला पॉइंट, कैरियोकाइनेसिस. फिर से बोलो, कैरियोकाइनेसिस. और दूसरा, साइटोकाइनेसिस. मैं बहुत कोशिश में हूं कि तुम्हें पहली बार में समझ में आ जाए.
मैंने फिर से बोला, अगर कोई सेल साइकिल चालू रखेगा तो उसमें दो बातें होंगी, वन इज सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन। बस इस बार सेल डिवीजन का नाम भैया की बदल गया, इस बार का नाम मियोसिस। और हमें मालूम है सेल डिवीजन में दो फेज होती है, नंबर वन, दूसरा कौन, कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेज, नंबर वन प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। बेटा जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हो मेरी नहीं, इसलिए यहां ध्यान दो, हम तो हंसा के पढ़ा के निकल गए, पैसा भी जमा हो चुका, वो मौज ले रहा मेरी। बताओ पहली फेज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर चार फेज है। लेकिन ये काम करने के लिए भाई साहब आपको किससे गुजरना पड़ेगा, और हमको पढ़ाया गया कि सेल ग्रोथ में दो ग्रोथ है, एक तो साइटोप्लाज्म, किसका बेटा, और दूसरा डीएनए। बोलो क्या, डीएनए। क्या डीएनए डबल होगा और साइटोप्लाज्म भी डबल होगा। और हमको बताया गया कि सेल ग्रोथ का नाम इंटरफेज है, क्या नाम है, और हमको यह भी बताया गया कि इंटरफेज में कितनी फेज, तीन, नंबर वन जीवन एस। तो सर ये तो तुम पहले भी पढ़ा चुके हो माइटोसिस में, यस मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। जो सेल भी मियोसिस जाएगी उस सेल को भी ये तीन अवस्थाएं गुजारनी पड़ेगी, पहले तो फिर बताओ एस में उसने अपने डीएनए का क्या किया होगा, डुप्लीकेशन डीएनए का। बट अंतर ये है कि ये एक बार इंटरफेज में जाएगी और दो बार कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस में अंतर ये है कि याद रखना मियोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है वो एक बार है कि दो बार, दो बार, और इंटरफेज जीवन एस जी टू। तो डीएनए डुप्लीकेट कितनी बार होगा, एक बार, और डिवाइड कितनी बार होगा, दो बार। तो जैसे एक बार से मैंने डुप्लीकेट किया तो एक अमाउंट से 10 से किया 20, किससे किया, और 20 को फिर किया 10, और 10 को फिर किया 5, तो ओरिजिनल से हाँ अभी भी गणित नहीं आया, ये बायोलॉजी नहीं मैथ्स है, पर हमको तो ना आएगी मैथ्स, तुमने बोला हमारे हाथ पांव फूल गए। बताओ सेल ग्रोथ कितनी बार, एक बार, हाँ? एक बार, जीवन एक बार, एस जी टू। अब सुनो अगर जीवन में इतना मैंने पढ़ाया है तो 2n 2c है, 2n, तो एस में 2n 4c होगा, जी टू में 2n 4c। मैं नहीं जानता कि क्या होगा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में, लेकिन पहले ही कैरियोकाइनेसिस में यूं होना चाहिए कि बताओ पहले जो बढ़ा है उसे कम करना चाहिए, और फिर जो कम बढ़ा है वो कम हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, 2n 2c। पर ऐसा होता नहीं है, m 2c होता, क्या होता है, n 2c, क्या होगा, n 2c, और इसके बाद आपका हो जाता है nnc। इसका मतलब जो तुमने कमाया है उसे दो बार गमाया, एक बार कमाया दो बार गमाया, 10 से क्या किया 20, 20 को फिर क्या किया 10, और 10 को बताओ कैरियोकाइनेसिस कितनी बार, दो बार, साइटोकाइनेसिस भी कितनी बार, दो बार। तो बताओ एक सेल से पहले डिवीजन में कितनी सेल, दो, और दो से चार, इस दो से फिर से दो, और इस दो से फिर से दो, तो टोटल कितनी सेल, चार। ये वाली सेल का नाम मदर सेल और ये चारों का नाम डॉटर सेल, बस बोलो। तो बताओ अगर ये है 2n तो यहां पर n, यहां पर n, n, n। बताओ मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है, नो सर, इसीलिए बोलते हैं मियोसिस के एक डिवीजन की दो, दो। पहली मियोसिस का नाम है मियोसिस फर्स्ट, फिर से बोलो, और दूसरे का नाम है मियोसिस सेकंड, फिर से बोलो, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट की पहली कैरियोकाइनेसिस में बोलो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। लेकिन अगर सेल डिवीजन में आई है तो क्या पार करके आई है, और सेल ग्रोथ पार करके आई है तो जीवन एस।
अब भी नहीं आया तो मैं सीधे शुरू करता हूं जो तुमको पढ़ना चाहते हो। तुम हटाए से पक्का? हाँ अभी टाइम है, हटा दे। चलो बताओ मियोसिस में कितने मियोसिस? पहला, दूसरा, तो बताओ कितनी बार सेल ग्रोथ और डिवीजन? और हमने पढ़ा था कि बिना ग्रोथ के डिवीजन नहीं हो, अगर होगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? हाफ। और इसमें यही हुआ है। तो बताओ पहला मियोसिस इज मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस इज मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट में पहला फेज है प्रोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे ताकि तुम ये चैप्टर को कैरी कर पाओ। चलो बोलो ये कौन, ये कौन, ये कौन? और पहली बार कोशिका कहां जा रही है? प्रोफेज। तो ये प्रोफेज फर्स्ट है। ये प्रोफेज फर्स्ट है। कौन सा प्रोफेज? फर्स्ट प्रोफेज। किसके बाद आएगा? और ये वाली फेज यहां तक कौन सी फेज है? इंटरफेज। हाँ, क्या क्रोमोसोम की सिचुएशन समझ पाओगे? मान लो ये पेयर्ड क्रोमोसोम है तो क्या आप इनका अमाउंट बता पाओगे? ये बोलो ए, ये वाला, ये वाला सी, ये वाला बताओ कितना? 2n2c। बताओ यहाँ पर 4c, यहाँ पर, और 2n4c के साथ क्या आया? प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस की सबसे लंबी फेज है प्रोफेज फर्स्ट, एंड इट सेल्फ divided into many phases, many sub phases. Prophase खुद में बेटा चार पांच sub phases में टूटी हुई है। इन sub phases में से पहली phase है leptotin, दूसरी फेज है जाइगोटीन, तीसरी फेज है पैकीटीन और पैचीटीन, चौथी फेज है डिप्लोटीन, और पांचवी फेज है डायाकाइनेसिस। और मेरा सारी बार मेरे विकेट यहीं पर गिर जाते थे। मैं जितनी साल मियोसिस पढ़ा मैं यहीं पर हार जाता था कि अचानक जो प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज को छोड़कर टीचर ये सब क्या पढ़ाने लगा। मैं ध्यान ही नहीं देता था कि ये सब क्या है, प्रोफेज। और अब भी मैं कह रहा हूं कि बेटा मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके बाद फिर से बोलो, और ये एक बार होगा कि दो बार? प्रोफेज फर्स्ट के बाद, मेटाफेज फर्स्ट के बाद, एनाफेज फर्स्ट के बाद, टीलोफेज फर्स्ट के बाद, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, और फिर वो जीवन में नहीं जाएगी। फिर से क्या चलेगी? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड, एंड देन वो कहां इंटर करेगी? जीवन। 10 मिनट लगा लो इसे समझने के, 10 मिनट लगा के समझो। जो नई कोशिका होगी, द न्यू सेल, जो 2n सेल होगी, ध्यान से सुनो, वो पहले किस में जाएगी? चिल्ला लो मेरे साथ, पहले किस में जाएगी? फिर अमाउंट डबल कर देगी, नंबर सेम रखेगी, फिर G2, नंबर सेम, अमाउंट डबल, फिर क्या है? आप देखना, प्रोफेज एक बार आएगा कि दो बार? पहला प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोफेज,
कायदे से आपको कहाँ जाना चाहिए? जीवन। लेकिन आप रुकते हो और फिर से चालू करते हो। ओके, तो बताओ कितनी बार इंटरफेस, एक बार। और कितनी बार सेल डिवीजन, दो बार। कितनी बार कैरियोकाइनेसिस, दो बार। कितनी बार साइटोकाइनेसिस, दो बार। कितनी बार प्रोफेज, दो बार। हाँ, दो बार। कितनी बार एनाफेज, दो बार। टीलोफेज, दो बार। साइटोकाइनेसिस, दो बार। और अब की बार जो मैं पहला प्रोफेज पढ़ा रहा हूँ वो मियोसिस फर्स्ट का कि सेकंड का? और मियोसिस फर्स्ट का कौन सा फेज? इसका मतलब ये प्रोफेज फर्स्ट में भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, यानी प्रोफेज फर्स्ट इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4, 5। यानी प्रोफेज फर्स्ट में पहली फेज लेप्टोटी, जायगोटी, पैकेटी, लोटी। यानी जब तुम डायकाइनेसिस से निकलोगे तो किसमें कूदोगे? दिस इज द फीलिंग। यही मुझे समझ में नहीं आता, इससे कूदूंगा तो सीधे जीवन में जाना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ, बोलो एल जे पी डी डी। व्हाट इज एल? लेप्टो टी। फिर और एक चीज मैं पूछूं तो तुम जवाब दे दोगे, बताओ मेटाफेज कैसे पता चलता था? मैं हार गया कसम से। मेटाफेज कैसे पता चलता था? कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ, पक्का? और उसके पहले क्या चल रहा? प्रोफेज। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही होगी, ईआर डिसअपीयर हो रहे होंगे, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चल रहा होगा, क्रोमोसोम अपीयर हो रहे होंगे। और इसी को पढ़ाया था कि जब अपीयर हो रहे होंगे तो अकेले की पेयर, हाँ, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है अपीयरेंस का, किसका? तो क्रोमोसोम जो अपीयर हो रहे होंगे अकेले की पेयर, पेयर पेयर का मतलब जाइगस, बोलो क्या? तो प्रोफेज ये इंश्योर करता है कि जो क्रोमोसोम अपीयर हो रहे हैं वो कैसा हो, पेयर में। फेज का नाम जायगोटीन रख दिया गया। जायगोटीन का मतलब है कि प्रोफेज बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मजा नहीं आ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही होगी, ईआर, गॉल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा होगा। बताओ क्रोमेटिन क्रोमेटिन होगा कि कंडेंसेशन? क्रोमोसोम बन रहे होंगे 46 क्रोमोसोम, 46 होंगे कि 23 पेयर? बताओ वो किसमें इंश्योर होगा? जायगोटीन। और ये किसका है? प्रोफेज। इसलिए मेहनत पड़ती है कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसाने पड़ रहे। क्रोमोसोम आ रहे हैं लेकिन बेटा पेयर में आ रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, और इनकी फीलिंग नहीं आती। लेप्टस मतलब थ्रेड, थ्रेड जहां पर क्रोमोसोम थ्रेड की तरह अपीयर होने लगे, और बिल्कुल होना चाहिए क्रोमोसोम को थ्रेड की तरह अपीयर, क्योंकि ये क्रोमोसोम किस फेज से आ रहा है? फिर से बोलो। और G2 फेज इज द फेज ऑफ इंटरफेस। फिर से बोलो। और इंटरफेस से अगर आ रहे हो तो क्रोमोसोम ला रहे हो कि क्रोमेटिन? और क्रोमेटिन थ्रेड होता है। तो पहली बार जब क्रोमोसोम आया तो थ्रेड जैसा आया, दैट इज नोन एज लेप्टोटीन। अभी मैं लेप्टोटीन तुम्हारे सामने बना रहा हूं। तुम कहोगे सर कि रट्टा मार के आया हो क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट है। बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है? बताओ क्रोमोसोम बिल्कुल अच्छे से अपीयर है कि थ्रेड लाइक? थ्रेड लाइक अपीयर हो रहे हैं। और थ्रेड लाइक अपीयर हो रहे हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही, थ्रेड लाइक अपीयर हो रहा है, इसी प्रोसेस का नाम लेप्टोटीन। मैं रखने की जरूरत ही नहीं, मैं तो नाम से जाता हूं। तुम्हारा नाम लेप्टोटीन का है, कल्लू का है? नहीं, बोले कल्लू इसलिए नहीं कि हम काले नहीं, तो तुम्हारा नाम लेप्टोटीन का है, काहे के मारे हमारे यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो लेप्टस जैसे हैं, एंड दैट इज नोन एज।
माइटोसिस के प्रोफेस को मियोसिस के प्रोफेस के साथ अगर तुम रिलेट नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। पहले वहां की सारी चीजें यहां रिलेट करो। वहां पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, यहां पर भी हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहां पर भी। ईआर डिसअपीयर हुआ था, यहां पर भी हो रहा। बस अपीयरेंस बदल रहा। क्या बदल रहा? अपीयरेंस किसका? क्रोमोसोम का। पहले क्रोमोसोम कैसे अपीयर हुए? थ्रेड लाइक। यह है लेप्टोटीन, थ्रेड लाइक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोसेस का नाम लेप्टोटीन। और फिर क्या आया? जायगोटीन। जायगोटीन आते आते ध्यान सुनना, क्रोमोसोम अपीयर हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गए। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि पूरा डिसअपीयर होना क्या? मेटाफेज। और जब डिसअपीयर हो रही थी उसी समय क्रोमोसोम जो आए वो भैया पेयर में आए। किसमें आए? और पेयर में आने की वजह से नाम है जाइगो। व्हाट इज जाइगस? कभी जाइगोट का नाम सुना है? व्हाई जाइगोट इज नोन एज जाइगोट? पेयर के अनपेयर पेयर और किसका किसका पेयर? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के पेयर से बनने वाला स्ट्रक्चर जाइगोट। और यहां दो क्रोमोसोम पेयर हो रहे हैं, दो नहीं मेरे बच्चों। इसीलिए मैंने टाइम वेस्ट किया था, मम्मा का पहला वाला पहले के साथ, पापा के दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला, ऐसे कितने पेयर? 23 पेयर क्रोमोसोम आ रहे हैं। मैं कितना दिखा रहा हूं? एक। ये दो नहीं है? मर गए यार, मेरे पास जगह नहीं है बेटा, नहीं तो स्ट्रक्चर इतने बुरे हो जाएंगे मैं खुद संभाल नहीं पाऊंगा। दो ही कम से कम दो तो दिखाएं, नहीं कहेंगे पागल ने एक ही पेयर दिखाया तो हम तो एक ही मानेंगे। कम से कम दो पेयर दिखा दें, खुश हो जाओगे तुम। हाँ अब आ गया सर, बिल्कुल सही है। और ऐसे दो पेयर हैं कि 23? 23 पेयर क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं। और पहला वाला क्रोमोसोम पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला, एंड दीज पेयर ऑफ होम क्रोमोसोम आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। ध्यान सुनना, क्या नाम है? होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग। बदतमीजी मत करो और ना तो ऐसा मजाक करो, बहुत मुश्किल है यहां पर समझना। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। बताओ क्रोमोसोम अनपेयर्ड की पेयर्ड? पेयर्ड। और होमोलॉगस क्रोमोसोम, और कितने होमोलॉगस पेयर? 23। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और यही पहला पहले के साथ क्यों? क्योंकि एक पापा से आया, एक मम्मा से। 23 पापा से, 23 मम्मा से, और टोटल कितने पेयर? 46। और 46 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम आ रहे हैं। और इन दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम ने मिलकर बनाया है डायड। बोलो क्या बनाया? व्हाट इज डायड? एक मिनट, आपकी बुक में टेट्राड लिखा, क्या लिखा? टेट्राड। सॉरी, इट इज नॉट द डायड, इट इज नोन एज बाइवेलेंट। अब मुझे यहां पर किसी को बुलाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई। यस चितिन ऊपर आ, और कोई मजाक नहीं करेगा प्लीज। ओके, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, पहला और पहला क्रोमोसोम के साथ। इतना हंसी क्या है? दोनों क्रोमोसोम साथ रह रहे हैं तो दोनों साथ आए, इसका नाम। ऐसे कितने बाइवेलेंट मिलेंगे? 23। पक्का? अब बताओ, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, जो क्रोमोसोम मैं हूं, मैं ओरिजिनल का ओरिजिनल हूं कि डबल हूं? हाँ, मेरे पास एक क्रोमेटिड है कि दो? हाँ, तो मेरे पास दो क्रोमेटिड, इनके पास दो क्रोमेटिड। और जब तुम मुझे क्रॉस सेक्शन से देखोगे, किससे? प्लीज झुको बेटा, बहुत कम मैं काम करता हूँ। क्रॉस सेक्शन से झुकोगे तो ये दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दिस पेयरिंग के बाद दिस पेयर विद दिस एंड दिस पेयर विद दिस, कितनी दिखाई पड़ी? 1, 2, 3, 4। बोलो उसका नाम? टेट्राड। दो लोग बाइवेलेंट, और क्रॉस सेक्शन में कितनी दिखेंगी? 4। अगर क्रोमेटिड काउंट करोगे, बोलो
क्रोमेटिड काउंट करोगे तो कितना, टेट्रा, और क्रोमोसोम काउंट करो बाई, और इस तरीके के क्रोमोसोम पेयर का नाम होमोलॉगस क्रोमोसोम। कितने होमोलॉगस? 23। ह्यूमन में कितने? 23 पेयर। और सुनो, ये हमेशा साथ में रहें इसके लिए भी बेटा सुविधा दी गई है, और सुविधा ये है कि इनके पीछे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इनके पीछे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसमें ये दोनों अटैच्ड हैं, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी ये क्रोमोसोम हमेशा साथ रहेंगे जस्ट बिकॉज दे हैव सम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बिहाइंड, एंड दिस इज नोन एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कितने सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स? 23। हमारे सर थे, गुरुजी थे, तो हमको ऐसे सिखाते थे कि सुनील मान लो एक गाढ़ा सीरा है चीनी का, बहुत गाढ़ा गोंद जैसा, और इनमें दो तुम तीलियां छोड़ दो इक्विडिस्टेंट पे, इस गोंद में दो तीलियां इक्विडिस्टेंट पे छोड़ दो, बताओ इनकी टेंडेंसी साथ रहने की हलक? क्यों? क्योंकि ये गोंद में चपकी हुई है। वो गोंद क्या है? दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड पेयर बनाकर हमेशा रहेंगे क्योंकि उन्हें पीछे से चपकाया गया है बाय सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स हार्ड है कि सेमी फ्लूइड? सेमी फ्लूइड, एंड इट इज नोन एज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? प्रोटीन, और इसका नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बोलो पहला, पता नहीं सर, लेप्टोटीन। दूसरा, क्या अंतर है लेप्टोटीन और जाइगोटीन? यहां पर जो क्रोमोसोम अपीयर हुए हैं वो अपीयर हुए कि नहीं हुए? थ्रेड जैसे हैं? पांच मिनट और तो मैं छोड़ दूंगा, पर इधर ध्यान दो। और इसके बाद यहां जो क्रोमोसोम अपीयर हुए हैं, ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम अपीयर हुए अनपेयर्ड की पेयर, हाँ पेयर, और पेयर में बने रहे इसके पीछे इनके एक कॉम्प्लेक्स है, नाम बताओ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। हाँ, और ये पेयर में क्यों आए हैं? सुनो, क्योंकि मम्मा और पापा का क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है, और इन होमोलॉगस क्रोमोसोम की ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड है सिस्टर। बोलो क्या? सिस्टर। ये वाली सिस्टर, ये एक दूसरे की, ये एक दूसरे की, ये एक दूसरे की, और ये एक दूसरे की, पर ये दोनों, ये दोनों इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा रिकॉम्बिनेशन। बोलो क्या? एंड दैट इज नोन एज पैकिंग। चलो, मेरी किस्मत है ना, सुनो तुम। अब इधर देखो, अब मैं दो के बजाय एक ही बनाऊंगा क्रोमोसोम। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में पड़े पड़े ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये अपनी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में को आपस में जोड़ते हैं, और इन दोनों का जोड़ना, यहां पर एक नोड्यूल बनता है, इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। फिर से बोलो, इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बनने पर एक एंजाइम की जरूरत होती है, नाम है रिकॉम्बिनेस। फिर से बोलो, आप बताओ कितने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे? अरे, एक पेयर में मिनिमम एक, कभी कभी दो, तो मिनिमम कितने? समझ गए? एक्स वाई है तो नहीं बनेगा, एक्स एक्स है तो बनेगा, अदरवाइज मिनिमम कितने? 23 पेयर। पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला, बताओ सिस्टर क्रोमेटिड की नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर, और इसमें एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्रॉस ओवर कर जाएगी। क्या कर जाएगी? एंड दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। मिनिमम कितनी क्रॉसिंग ओवर बन सकती है? इधर देखो बेटा, 23।
23 से ज्यादा भी हो सकता है, अगर ये दोनों इधर भी बन जाए तो एक पेयर में दो क्रॉसिंग ओवर भी बन सकती, तीन भी बन सकती, मिनिमम कितनी? मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मान लो ये भी क्रॉस ओवर हो जाए तो एक पेयर में दो क्रॉस ओवर, यू गॉट माई पॉइंट? तो मिनिमम कितने हैं? 23। और जहां पर क्रॉस ओवर होंगे वहां एक नोड्यूल बनेगा, नाम बताओ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को बनाने के लिए एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेस, बोलो। और पीछे की तरफ भूलना मत, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जिंदाबाद है, वो ना होता तो बताओ ये हो पाता कि नहीं होता? मजाक में मत लेना। पहला फेज, दूसरा, तीसरा, आप कोई ये ना बता पाए कि क्रॉसिंग ओवर कहां से चालू हुई तो वो बेवकूफ है। रिकॉम्बिनेशन कहां बना? बेटा यही देखो, रिकॉम्बिनेशन नाम का स्ट्रक्चर चालू भले हुआ हो कहां, जायगोटी, लेकिन बना कहां? क्योंकि रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम कहां यूज हुआ? पैकेटी। तो जब तक रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम यूज नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बने, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बना तो बता रहा हूं मैं इनमें क्या नहीं होगी, क्रॉसिंग। और सबसे बड़ी आफत है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ, पहले बोल दिया था, लिखा है, देख ले, रट्टाफिकेशन इसी को बोलते हैं। एक मम्मी का एक पापा का बोता, दूसरा मम्मी का दूसरा पापा का, तीसरा मम्मी का तीसरा पापा का, और होमोलॉगस क्रोमोसोम की ये वाली सिस्टर, ये वाली सिस्टर, ये वाली सिस्टर, ये वाली सिस्टर, लेकिन ये दोनों आपस में, और यही रट्टा मारते हो। द क्रॉसिंग ओवर हैपन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। रट्टा मार के बैठे हो ना, इसीलिए आफत है। हम कहते कितने होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो मुंह नहीं आता, वो नहीं आता, 23। वही क्यों 23 है? उसका कारण मैंने पहला आकर के पढ़ाया, क्योंकि हमें 23 किससे मिले? पापा से। 23 मिले मामा, और 23 पापा के, 23 मम्मा के, पहला वाला पापा का, पहला वाला मम्मा का जेनेटिक कंटेंट सेम, जेनेटिक कंटेंट सेम। दूसरा वाला मम्मी का, दूसरे वाले पापा का जेनेटिक कंटेंट सेम। मरोगे तुम सब। अभी जब मैं जब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ाऊंगा तो बुद्धि हवा हो जाएगी जेनेटिक्स में, और फिर मैं इतना उड़ैया करूंगा कि मियोसिस में काय नहीं समझा। अभी समझ लो, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बोलो क्या? किसके किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, फिर से बोलो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। अब सुनो, जब ये मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होंगे, जेनेटिक्स पढ़ाई नहीं इसलिए दिक्कत है, जब ये मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे तो दोनों के जीन एक्सचेंज हो जाएंगे। मान लीजिए यहां कैपिटल ए जीन है, चलो दूसरे तरीके से बनाते हैं, मान लीजिए यहां कैपिटल ए जीन है और यहां पर भाइयों स्मॉल ए जीन है, यहां कैपिटल बी जीन है और यहां स्मॉल बी जीन है, तो एक्सचेंज होने के बाद कैपिटल ए के साथ क्या आ जाएगी? स्मॉल बी। पहले कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में थे, एक ही जगह थे, अब कैपिटल ए के साथ आ गया ये वाला बंदा, ये कौन था? स्मॉल बी। और बताओ स्मॉल ए के साथ क्या आ गया? कैपिटल बी। तो इट इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कब होगा? क्रॉसिंग ओवर। तो बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रहते थे, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ रहते थे। कुछ लोग बोले ये नहीं समझ में आ रहा, कहां पढ़ा रहा? अगेन देखो, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे दिमाग को सब कुछ आएगा। एक क्रोमोसोम में कैपिटल ए कैपिटल बी था, ये जीन के नाम है, दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल ए स्मॉल बी था। बताइए ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर की नॉन सिस्टर? अब ये क्रॉस ओवर करने गई, क्रॉस ओवर करने गई, जैसे क्रॉस ओवर करने गई
कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रहते थे लेकिन यहां से कट गए, और यहां पर कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी साथ रहते थे यहां कट गए, बताओ कैपिटल ए के साथ क्या आ गया, स्मॉल और स्मॉल ए के साथ क्या नहीं आया। एक बार और दूसरे कलर के साथ, मैं जानता हूं आ गया कहने में तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं जाता, तुम बोल ही दोगे आ गया, और जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कहोगे नहीं सर वो नहीं आया था, मैं बता नहीं पाया सर, शर्म आ गई और आप सर डांट देते सर। ये बताओ कौन सी जी, ये वाली, इसके सामने, इसके सामने, हो गया। बताओ इस सिस्टर क्रोमेटिड में, इस वाली क्रोमेटिड में कौन साथ रह रहा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए के साथ, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रह गए अलग अलग, साथ और स्मॉल ए स्मॉल बी साथ साथ हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये हुआ बेटा, जैसे ही ये हुआ, मैं भी पागल हूं, यस सर सही है बेटा, कह लो बेटा, किसी ना किसी दिन तुम मुझे याद करोगे जब क्रॉसिंग ओवर नहीं समझ में आएगी। बताओ ये कैपिटल ए था और ये, और ये, और ये था। अब देखना क्रॉसिंग ओवर हो चुकी, मतलब एक्सचेंज हो चुका, यहां से कट करो, और जब यहां से कट करोगे तो नया क्रोमेटिड क्या बनेगा, कैपिटल ए के साथ और स्मॉल ए के साथ, पक्का। इन्होंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज, क्या नए रिकॉम्बिनेशन बने, पहले कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रहते थे, आज कैपिटल ए के साथ स्मॉल, और ये किसकी दया है, क्रॉसिंग ओवर ना होती तो रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा। सर प्लीज जाने दो, नहीं जाने दे, हाँ पहला बोलो, पहला बोलो लैपटॉपिंग, फिर पैकेटिंग, अब सब कुछ हो गया तब जा रहे, अब सुनो कौन सा आई, एक मिनट रुक जा भाई, वहीं खड़े रहो। जैसे ही डिप्लोटीन आई भाई साहब, वैसे पीछे का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पतला हो गया, क्या हो गया अब नहीं समझ पा रहे, जो सीरा गाढ़ा था, गोंद गाढ़ा था, वो गाढ़ा रहा कि पतला, पानी जैसा हो गया, और जैसे ही पानी जैसा हो गया तो उस पानी के बहने के साथ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के डिसोल्यूशन के साथ क्रोमोसोम भी बहने लगे, और जैसे बेटा बहने लगे वैसे ही बेटा ये अलग होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेचारे फंसे हुए हैं कहां पर, नहीं आया ना, मरोगे तुम सब, चलो बोलो चिल्लाओ, पहला बोलो, पहला, दूसरा, और हर नाम के पीछे वजह, लेप्टो मतलब धागा, जाइगो मतलब पेयर, पेयर में क्यों है, एम ही सर पेयर में उसे रखा गया है पीछे चपका के, कौन सा कॉम्प्लेक्स, बस थैंक यू वेरी मच, बस इतनी एनर्जी चाहिए थी। अब बताओ ये जो चपका कर रखे गए थे, इनसे कहा गया अपनी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड लो, अब क्या करो, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर हो गई, जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो बोले पेयर बनाने का जो फायदा था वो पूरा हो गया, आओ अलग हो, और जैसे अलग हो तो चपके किससे थे, सिनेप्टोनीमल, तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हुआ, और जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हुआ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बचा के डिसॉल्व हो गया, और पानी की तरह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ तो क्रोमोसोम ने कहा अब अलग होते हैं, लेकिन चोरी पकड़ी है, अलग तो हो गए लेकिन एक जगह पकड़ लिए गए, और जिस जगह पकड़ लिए गए वहां पर क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर, और वहां अभी भी जुड़े हो, और वहां पर एक्स शेप एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है क्यास्मेटा, बोलो क्या नाम है, ये क्यास्मेटा अपियर हुआ किस फेज में, डिप्लोटी, और क्रॉसिंग ओवर कहां हुई, पैकिंग, और जब पकड़े गए तो बोला गया अब इसे छुड़ाना भी है, छुड़ाना है तो कैसे छुड़ाएंगे, मफलर दो ला, सी माय हैंड,
It is a one homologous chromosome, it is another homologous chromosome, it is a non-sister chromatid with this respect. Please मान लीजिए ये अलग chromosome, ये अलग chromosome. इस point पर आकर के दोनों जुड़े और इस point पर दोनों को जोड़ा है इस structure ने, नाम बताओ क्यास्मा. फिर से बोलो क्यास्मा. जैसे ही dissolution of the synaptonemal complex हुआ, सब लोग अलग हुए लेकिन ये फंसे रह गए, इसका नाम क्यास्मा. बताओ क्यास्मा कब मिला? और जब सब कुछ बह गया क्रोमोसोम को, अब कोई नहीं रोक पा रहा, केवल कौन? और क्यास्मा हट जाए तो क्या ये अलग हो जाएंगे? तो फिर क्यास्मा से कहा गया कि तुम टर्मिनलाइज हो. क्या हो? धीरे धीरे करते हुए आखिरी पोजीशन पर पहुंचो, पहुंचो 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 और निकल जाओ. तो जो क्यास्मा था यहां पर था, धीरे 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 नहीं आया. This is known as terminalization of chiasma, and it happened in diakinesis. Dia मतलब kinesis मतलब movement, यानी दोनों chromosome जब move किए तो कहाँ फंसे थे? हाँ, chiasma में दोनों फंसे थे. book में जाके पढ़ना, chiasma में दोनों फंसे थे. ये रहा वो chiasma. This is a chiasma. क्यास्मा सेंटर में था, धीरे धीरे क्यास्मा धीरे 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 इट इज टर्मिनल पोजीशन पे आया. टर्मिनल पोजीशन पे आते आते इट इज नोन एज डायाकाइनेसिस. और जैसे ही बेटा डायाकाइनेसिस आई, पेयर्ड क्रोमोसोम रहे लेकिन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा. और नहीं रहा तो बताओ इनमें बीच में क्यास्मा भी नहीं और प्रोफेज खत्म. प्रोफेस, और इन्होंने कहा अब तो कोई जोड़ के भी नहीं रख रहा, मैं किस में आया हूं? मेटाफेज. और मेटाफेज की शुरुआत होती है स्प्रेडिंग. किसके थ्रू? आओ जो जुड़े थे स्प्रेड करें. लेकिन जैसे ही स्प्रेड करने लगे पकड़ लिया है. मैं मेटाफेज नहीं पढ़ा लेकिन मुझे इतनी चीजें चाहिए. बोलो कितने? पहला, देखो बिना देखे जो बता देगा जाएगा घर, नहीं तो यही चिल्लाएगा. पहला, चिल्लाओ मत धीमे से, जायगोटी पैकेटी. ये प्रोफेस फर्स्ट है. कितनी स्टेज में? और कल को मैं पूछूं, मैंने कुछ नहीं लिखाया फिर भी मैं पूछूं व्हाट इज लेप्टोटीन. प्रोफेस फर्स्ट की पहली फेज जहां पर क्रोमोसोम अपीयर हुए, कैसे? थर्ड लाइक. बस इतना ही लेप्टोटीन. इसके बाद जो अपीयर हुए वो पेयर में आए क्योंकि पीछे कॉम्प्लेक्स बना. नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. दो लोग साथ में आए, दोनों का नाम होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनका नाम बाई वैलेंट. फिर बोलो, एक में कितने क्रोमेटिड? दो. तो दो में चार, तो बताओ टेट्रा. तो दो क्रोमोसोम चार क्रोमेटिड, दो क्रोमोसोम साथ आए बाई वैलेंट, चार क्रोमेटिड साथ आया टेट्रा. आया? ये है जाइगोटी. अब आई कौन? पैकेटी. जो साथ आए थे उन्होंने क्या बनाया? रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल. पांच मिनट सुन लो, आखिरी के समय तुम्हारी कश्ती वही डूबती जहां पानी कम होता. आखिरी के पूरा दो घंटा निकाल दिया, पांच मिनट नहीं सुनना जा रहा. दोनों क्रोमोसोम साइड बाय साइड आ गए, अब चोरी कर रहे. इसने इसकी क्रोमेटिड से कहा आओ मिले. बताओ प्रोसेस का नाम रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल. यस और नो? रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल को बनाने वाला एंजाइम रिकॉम्बिनेज बन गया. रिकॉम्बिनेज बनते ही बेटा इनमें क्या चालू हुई? क्रॉसिंग ओवर. ये कौन सी पेज है? पैकेटिंग. और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर पूरी हो गई, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, पीछे का डिसॉल्व हुआ कौन? सिनेप्टोनीमल. लोग बहने लगे, बहते बहते बेटा फंस गए क्योंकि क्यास्मा खत्म नहीं हुआ. तो क्यास्मा अपीयर हुआ डिप्लोटी. अब इसको भी हटाना है धीरे 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 धीरे. टर्मिनलाइजेशन इट इज डायकाइनेसिस. मैं पूछूंगा क्यास्मा बना कहां था? पैकेटिंग. नो, पैकेटिंग रिकॉम्बिनेशन में. दिखाई कहां दिया? डिप्लोटी. अलग कहां हुआ? डायकाइनेसिस. क्रॉसिंग ओवर कहां हुई? पैकेटिंग. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां बना? जायगोटी. नहीं आया. और मैंने तुमसे पहली बार बोला था, इतना याद करके जाना फिर कल आना सब बताना, जब भी क्रोमोसोम अपीयर हुए अनपेयर्ड की पेयर, जरा माइटोसिस में जाओ, यहां पर पेयर,
तो मेटाफेज में भी पेयर, तो मेटाफेजिक प्लेट में भी पेयर। आगे की कहानी टू बी कंटिन्यू, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। हाँ रुको रुको, कोई सूचना है? आंसर सीट, हाँ भाई, जितने लोग आंसर सीट मांग रहे थे, नहीं बोल क्या दे, इसको लगवाओ, हम बोलेंगे थोड़ी ना, या फिर बटवाओ, किसमें, शाम को इसमें लग जाएगी और बाहर अभी चपका दो। ये जो जो हम लोगों ने पेपर दिया था ना 90 क्वेश्चन का शनिवार वाले दिन, उसकी रिजल्ट कब आएगा? कल, कल रिजल्ट आ जाएगा।